चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में होंगे शामिल। सीएम साय के गृह ग्राम बगिया में होगा कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे और उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और पूरा शेड्यूल आपको विस्तार से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम में। इसके अलावा आज जशपुर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय और राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे। तो आज का शेड्यूल बेहद बिजी सीएम साय का। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी है। लक्षिका का रुख करते हुए जान लेते हैं, लक्षिका आज क्या पूरा शेड्यूल सीएम साय का रहने वाला है? वित्त मंत्री भी तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? लगभग राजधानी से 9:35 पर वो जशपुर जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। 11 बजे राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अध्यक्षता में। उसमें आज वो शामिल होते नजर आएंगे और जो नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं उनका तिलक लगाकर पुस्तक वितरण कर वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही जो जशपुर जिले से जितने भी उत्कृष्ट छात्र हैं, 10वीं 12वीं के छात्र जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टॉपर्स रहे हैं, तो उनको भी वहाँ पर पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम का पूरा अध्यक्षता किया है। साथ ही साथ रायगढ़ लोकसभा से जो सांसद है राधेश्याम राठिया वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक गोमती साय, विधायक रायमुनि भगत, ये सभी उस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का ये कार्यक्रम है जहाँ आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही आज रात्रि विश्राम वो जशपुर जिले में बगिया अपने निवास स्थान पर ही करेंगे और वित्त मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। उनको लेकर क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ही ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जैसा कि मैंने बताया कि ये राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम है, तो काफ़ी खास होने वाला है। और जितने भी वहाँ पर 10वीं 12वीं के छात्र भी हैं, कल भी हमने देखा कि ये जो जनदर्शन कार्यक्रम रहा उसमें जो राज्य जिन्होंने टॉप किया उनको 2-2 लाख रुपये का चेक दिया गया। तो जशपुर जिले के जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, जिन्होंने टॉप किया है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो वहाँ पर उसमें शामिल होंगे। तो काफी अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे, प्रोत्साहन किया जाएगा वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।